Hare Krishna, my name is Aishikan and I am currently studying in second standard. I am in Cosmopolitan Fun School and I will now tell you Amrish Maharaj story. एक दिन एक महाराज थे, उनका नाम अमरीश महाराज था। वो भगवान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी सारी शरीर भगवान जी के काम में लगी रहती थी। उनके आँखें जो थे उन्हें देखने के लिए काम आते थे। उनकी जीवा जो थी वो उनका प्रसाद चखने के लिए काम आती थी। उनके जो कान थे वो उनका कथा सुनने के लिए काम आते थे। उनके हाथ जो थे वो मंदिर में झाड़ू लगाने काम आते थे और उनके पैर जो थे वो मंदिर जाने के लिए काम आते थे। तो एक दिन उन्होंने एक साल का व्रत लिया था एकादशी का और दूसरे साल द्वादशी था। तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को बुला के दान दिया और गंगा में स्नान करने गए। वहाँ पे दुर्वासा ऋषि थे, वो नहा रहे थे और व्रत तोड़ने का समय जा रहा था। तो अमरीश महाराज ने जब ये व्रत तोड़ रहे थे तभी दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने देखा और बोला तुम मुझसे बिना पूछे कैसे व्रत तोड़ा है। तो अमरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े थे तो दुर्वासा ऋषि ने अपने पीछे से एक बाल निकाला और पटका तो एक राक्षस निकल आया और जैसे ही वो राक्षस उन्हें मारने गया अमरीश महाराज को वैसे ही विष्णु भगवान का चक्र आ गया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। तो पहले भाग के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम शिव के पास जाओ। तो शिव जी के पास वो भागते गए तो शिव जी ने बोला मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम विष्णु के पास जाओ। तो विष्णु भगवान ने बोला मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम अमरीश महाराज के पास जाओ। तो दौड़ते हुए अमरीश महाराज के पास गए और उनके पैर में गिर गए। तो अमरीश महाराज बोले आप ये क्या कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं भगवान जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाने की सोचे भी तो उन्हें कड़ी सज़ा मिलती है। हरे कृष्णा।